सेक्टर 20 के अंतर्गत आज एक अवैध गांजा और गांजा बनाने की फैक्ट्री, जो गांजा पैकिंग करने की जो है वो फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और इसमें जो पूछताछ करने पर ये विवरण पता लगा है कि ये लोग जो है अवैध गांजा अन्य जगहों से लाते थे और उसको बकायदा पैकिंग करके और सील करके और वो ग्राहकों तक उनको पहुंचाया जाता था। इसमें ये 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें लगभग 50,000 रुपये कैश मिले हैं, 12 किलो लगभग अवैध गांजा मिला और सील करने का सामान और सीलिंग की मशीन मिली है। ये काफ़ी समय से, पहले भी ये लोगों का गांजा मतलब गांजा बेचने की शिकायत हुई थी। इसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं और ये फैक्ट्री काफ़ी समय से चलाई जा रही थी। इनसे विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है और विस्तृत पूछताछ के बाद विवरण अलग से प्राप्त होगा। हाँ, ये गिरोह का सरगना जो बताया जा रहा है, जो महिला मैंने बताया कि एक महिला पकड़ी गई है, वही इस गिरोह को हेड करती थी। ये जहाँ भी उनके, ये कोई एक स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक लोग नहीं थे। इनसे जो भी है ग्राहक, वो जो भी पीने वाले लोग या पिलाने वाले लोग हैं, वो आके इनसे ले जाते थे, उसको ये सर्कुलेट करते थे। ये लगभग 12 किलो गांजा है, लगभग 12 लाख रुपए का होगा ये, और उसके साथ कैश भी बरामद हुआ है और 70 पुड़िया इसमें स्मैक भी बरामद हुई है। इसमें 50,000 कैश है। महिला जो है सेक्टर 9, इसी थाने के सेक्टर 9 की रहने वाली है। गांजे का नाम आता है सर, तो सबसे पहले नाम आता है मनोज कोहली का, और ये लोग को गिरफ्तार होंगे, वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी भी जानकारी है और जिनके बारे में जानकारी मिल रही है और बिक्री की शिकायत है, उसकी बहुत कार्रवाई इस थाने में भी की गई है, आगे भी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी स्ट्रिक्टली। अभी इस बात, गाजियाबाद से आता था, मैंने पहले भी बताया आप लोग को, गाजियाबाद के जगह, गाजियाबाद से पकड़ा जाएगा। जो लाता था, जो लोग लाने वाले हैं उन्हें भी पकड़ा जाएगा, जो बेचने वाले और बनाने वाले उन्हें पकड़ भी लिया गया। उसका ओनर को ये पता है, यही है महिला ही, नूरी की बहन है, जो नूरी पहले पकड़ी गई उसकी बहन। ये खुलासा किया आपने?